हेलो फ्यूचर फिजोथेरेपिस वेलकम बैक टू अनदर ज्ञान से भरा वीडियो अबाउट फिजियोथेरापीस इन दिस वीडियो यू आर टू लर्न हाउ टू टेक डेमोग्राफिक डाटा एंड पेशेंट हिस्ट्री दैट्स बिकॉज वी पास अवर फर्स्ट ईयर लाइक फॉर्चुनेटली एंड नाउ वी आर इन सेकेंड ईयर लाइक ऑलमोस्ट वी रियली डोंट डिजर्व इट लेकिन चमत्कार को कौन रोक सकते हैं हम सेकेंड ईयर में हैं तो है और इस साल जब कोरोना केसेस कम थे तो हमारे कॉलेजेस ओपन हो गए हमें बुला लिया गया कि आओ आओ पढ़ो कुछ पढ़ो तो हम गए तो हमें बहुत सारे ओ के लेक्चर्स मिले और उसके साथ अच्छे इंटर्न्स मिले जो ओ में थे तो उन्होंने हमें बहुत सारा एक्सपो एक्सपोजर दिया बहुत सारे इक्विपमेंट्स का और बहुत चीज़ें उसमें भी उसमें भी जो मेन चीज़ हमने सीखा अपना दिल दिमाग किडनी लीवर फीफर लगा के वो था हाउ टू टेक डेमोग्राफिक डाटा एंड पेशेंट हिस्ट्री सो लेट्स स्टार्ट विद डेमोग्राफिक डाटा डेमोग्राफिक डाटा से हमें क्या क्या पता चलेगा और उसमें क्या क्या पूछना होता है पेशेंट से जानते हैं सो फर्स्ट थिंग यू गोइ टू आस इस नेम ऑब्वियसली इससे फ़ायदा ये रहेगा कि ओ पी डी में बहुत सारे पेशेंट होते हैं और एक ही नाम के होते हैं तो हमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एज आपकी एज क्या है क्योंकि एज से पता चलेगा कि जो कंडीशन है जो इंजरी है, है वो क्या सेकेंडरी है या डी है हो जाता है आपकी एज हो गई हो तो वो कंडीशन होने वाले हैं तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो नेक्स्ट यू थिंग यू गोइंग टू आस्क डेफिनेटली नॉट यूर गु आस यू आर जस्ट गु राइट इट सेक्स फीमेल या मेल नेक्स्ट इज एड्रेस वी आस एड्रेस ऑफ पेशेंट बिकॉज अगर वो दूर से आ रहा है और उसका कंडीशन ख़राब है तो हम उसको कहीं दूसरे जगह रेफर करेंगे दूसरे फिजियोथेरेपी सेंटर में जहाँ उसका ट्रीटमेंट हो सके अनदर सिंग यू गोन्ट टू आस एज ऑक्यूपेशन पेशेंट क्या काम करता है तो उससे हमें एक चैनल आइडिया मिलता है कि उससे क्या कंडीशन हो सकता है क्या हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं तो एक जनरल आइडिया मिल जाता है ऑक्यूपेशन से कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं इसलिए नेक्स्ट थिंग इज डोमिनेंस आप कौन से हाथ का ज़्यादा यूज़ करते हैं राइट right हैंड या लेफ्ट हैंड फॉर योर डेली रूटीन बिकॉज मान लो कंडीशन है दोनों हाथ में है आप राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम लोग राइट right हैंड पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि वो जल्दी रिकवर हो और आप डेली वर्क जो है वो कर सकते हैं सो वी शुड नो डोमिनेंस एंड डेट ऑफ एडमिशन कब पेशेंट आया था एडमिशन होने के लिए वो डेट फिलअप करेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब आपने डेमोग्राफिक डाटा लिया था वो फिलअप करेंगे रिफर्ड बाय आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया मतलब किसने सजेस्ट किया आप खुद आए आपके दोस्त ने रिकमेंड किया या डॉक्टर ने वो हमें जानना है फॉर आई डोंट नो मिच पर्पस लेकिन कुछ होगा रीज़न तो होगा नेक्स्ट इज प्रोविजनल डायग्नोसिस प्रोविजनल डायग्नोसिस इज समथिंग जो आप डेमोग्राफिक डाटा हिस्ट्री ऑफ पेशेंट कंप्लीट करने के बाद लिखोगे क्योंकि उसमें आपका डायग्नोसिस क्या है वो लिखना होता है कि हमें क्या कंडीशन पता अच्छा लिखी क्या क्या, क्या कंडीशन है पेशेंट को सो दिस इज द थिंग यू आर गोइंग टू फिल अप एट द लास्ट नेक्स्ट इज चीफ कंप्लेंट पेशेंट को क्या कंप्लेंट है अभी वो आप फिलअप करेंगे सो दिस द थिंग इन डेमोग्राफिक डाटा नेम एज सेक्स एड्रेस ऑक्यूपेशन डोमिनेंस डेट ऑफ एडमिशन डेट ऑफ एग्जामिनेशन रिफर्ड बाय प्रोविजनल डायग्नोसिस एंड चीफ कंप्लेंट सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक हिस्ट्री ऑफ पेशेंट पेशेंट का इतिहास जानेंगे हम सो so पहला हेडिंग रहेगा ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंडीशन जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके क्या इतिहास है क्या 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 किस्से हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू द पेशेंट इज दिस हिस्ट्री ऑफ पेन इज द पेन इज़ डल और शार्प शूटिंग जो मसल पेन होते हैं वो बेसिकली डल होते हैं और जो नर्व कंप्रेशनल पेन होते हैं so वो शार्प शूटिंग होते हैं सो वी आर गोइंग टू आस्क एंड नो कि वो पेन कैसा है नेक्स्ट विल बी हिस्ट्री ऑफ ऑनसेट जो पेन था वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ ऑल ऑफ़ द मतलब टाइम लेके इंक्रीज़ हो रहा है या ऑल ऑफ द सडन लाइक फ्रैक्चर कंडीशन में हो जाता है कि ऑल ऑफ सडन इंक्रीज़ हो गया पेन बहुत सारे कंडीशन में सो हिस्ट्री ऑफ ऑनसेट नेक्स्ट विल बी नेचर ऑफ पेन मीन्स जो पेन है वो दिन भर में इंटरमीडियट है मतलब दिन भर रहता है या रिपीटेड मतलब कुछ टाइम के लिए रहता है फिर चला जाता है फिर कुछ टाइम जैसे कि कोई मूवमेंट करो उस टाइम तकलीफ आती है या दिन भर वो दर्द रहता है पैरों में ऐसा फॉर एग्जाम्पल सो नेक्स्ट थिंग मेघन टू आस इस हिस्ट्री ऑफ ट्रामा क्या पेशेंट को किसी एक्सीडेंट से मुलाकात हुई थी या कहीं से वो गिर गया था इफ़ यस सो क्या उस टाइम पर कोई हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग क्या वो कॉन्शियस था वॉमिटिंग नो जो कुछ हुआ कंडीशन वो भी हम जानकारी लेंगे पेशेंट से सो दिस विल भी अंडर हिस्ट्री ऑफ ट्रामा नेक्स्ट थिंग इफ़ येस उसका ट्रामा हुआ था डेन डेफिनेटली वो डॉक्टर को कंसल्ट करेगा सो द नेक्स्ट थिंग विल बी डिड ही कंसल्टेड टू अ डॉक्टर क्योंकि तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करता वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं घर पे एंड दैट इज़ कॉल्ड होम रेमेडी क्या उसने होम रेमेडी ली एक्चुअल होम रेमेडी कौन आता है लेकिन कोई ले लेता है वो नहीं दिखाते हैं सो कंडीशन बहुत होता है लाइक कॉम्प्लिकेशन आते हैं माल यूनियन नॉन यूनियन एंड ब्ला ब्ला काइंड ऑफ कंडीशन बहुत सारे होते हैं सो डिड ही कंसल्ट डॉक्टर एंड इफ इट्स येस देन क्या डॉक्टर ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया आपसे कुछ मांगा जैसे एम आर आई सी टी स्कैन अल्ट्रासाउंड कुछ भी सो इफ यस देन प्लीज़ ब्रिंग इट टू अस क्योंकि हमें भी जानकर है क्या कंडीशन है कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम आपको कैसे आपका जो रेंज ऑफ मोशन है जो भी कंडीशन उसको बेटर कर सकते हैं कंडीशन मतलब इंजरी वाला बेटर नहीं जो आपका जो नॉर्मल थे जो पहले थे वैसे बेटर कर सकते हैं ऐसा एंड देन विल आस डिड डॉक्टर सजेस्टेड यू टू फिजोथेरापिस्ट और आप या खुद आगे खुद भी आते पेशेंट बहुत सारे पेशेंट खुद आ जाते हैं फ्रैक्चर हुआ डायरेक्ट आ जाते हैं फिजियो के पास लेकिन उनको पता नहीं था हमारा रोल अगर ऑर्थोपेड मतलब फ्रैक्चर हुआ है तो ऑर्थोपेडिक के ट्रीटमेंट के बाद हमारा रोल आता है तब हम आगे प्रोसीड करेंगे रेंज ऑफ मूमेंट या मसल पावर इंक्रीज करने के लिए सो नीड टू आज की सजेस्ट किया है कि आप डायरेक्ट आ गए तो हम लोग फिर वापस उनको ऑर्थोपेडिक के पास सजेस्ट करेंगे कि आप वहाँ जाएँ वहाँ से ट्रीटमेंट लें फिर हमारे पास आए ना मूविंग ऑन वील गोइ टू आस पास हिस्ट्री जहाँ पे आपको तकलीफ है फिलहाल क्या वहाँ पे पहले भी कुछ कंडीशन था या कहीं पे गिरे थे या कुछ कंडीशन हुआ था वहाँ पे पहले भी कोई ऐसा कोई हिस्ट्री है पहले पहले अभी तो प्रजेंट कंडीशन आपको पता है क्या है आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है लेकिन पहले भी कहाँ पे कुछ हुआ था कोई तकलीफ़ हुई थी कोई हादसा उदसा हुआ था क्या कुछ ऐसा तो ये पूछेंगे अंडर पास्ट हिस्ट्री टाइटल पर नेक्स्ट विल भी मेडिकल हिस्ट्री क्या आपको हाइपर टेंशन थायरोयड या डायबिटीज़ है लुक बहुत सारे कंडीशन होते हैं मेडिकल मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं लेकिन वी आर सपोज टू आस ओनली थ्री हमको इन तीन से ज़्यादा मतलब है थायरोड हाइपर टेंशन डायबिटीज बिकॉज इसकी दवाई रोज लेनी पड़ती है ऐसा हमारे इंटर्न मतलब सिग्नस ने बताया था सो वी नीड टू आस्क दिस थ्री इफ देव थायरॉयड हाइपर टेंशन और डायबिटीज़ इफ़ यस देन नेक्स्ट वी हैव टू आस्क ड्रग हिस्ट्री आप कौन से ड्रग लेते ड्रग्स लेते मतलब मेडिसिन लेते हैं आपको वो मेडिसिन लेके आने हम उसमें नाम वाम सब उसका जो डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू गज सर्जिकल हिस्ट्री आपने वहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम हुआ है घुटनों पे मान लो घुटनों पे प्रॉब्लम हो तो क्या आपने उसका सर्जरी वर्जरी कुछ करवाया है क्योंकि देखो ये पता जो ये इंपॉर्टेंट है अगर फ्रैक्चर उक्चर हुआ है उसने सर्जरी किया है और मेटल इम्प्लान्ट किया है तो बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि टेंस वाले हैं क्योंकि वो मेटल है अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए काइंड ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमको पता है इसलिए हम लोग पूछेंगे कि आपने सर्जिकल कुछ हुआ है मेटल इम्प्लैंट हुआ है तो हम लोग वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे इलेक्ट्रिकल वाला सब जो भी इक्विपमेंट है नेक्स्ट विल आस फैमिली से दिस वन इज लाइक हेरिट्री वो मेंडल वाला क्या आपके पूर्वज पत, पिताश्री किसको भी ऐसा कुछ हुआ था या आप ही है जो एक अनोखे हैं जो आपको कंडीशन हुआ है हो सकता है बहुत सारे कंडीशन एक जेनेटिक होते हैं तो आपके फादर को आपको ग्रैंड फादर को तो आपको हो सकता है सो विल आस्ट डैट नेक्स्ट मूवीम विल आस्ट एनवाट है हिस्ट्री जैसे आपको ओवे है बायोलिट्रल साइड ओवे है मतलब ऑस्ट्रो आर्थन से तो हमें पता नहीं होना चाहिए आपके घर में कितनी सीढ़ी आपको क्या सीढ़ी चढ़ने पड़ते हैं क्या ग्राउंड फ्लोर पर है या आपके इंडियन टॉयलेट टॉयलट करते हैं या वो वेस्टर्न टॉयलेट बिकॉज जो इंडियन टॉयर्ट उसमें मोस्टली हमारा जो नी है यूज़ होते हैं हम तो लोग मैन करते हैं वेस्टर्न में हिप है उसमें आ आ ओए, ओए हो सकता है कि हिप ऑफ ओवे ऑफ हिप हो सकता है सो वी नीड टू नो कंडीशन आपके घर का वातावरण कैसा है आपको कितनी चढ़नी पड़ती है क्या सीढ़ी हैं क्या क्या है कंडीशन सो देट विल फोकस टू इम्प्रूव सो आप जल्दी से ठीक हो अपने डेली रूटीन कर सकें पर्सनल हिस्ट्री पर्सनल मीन्स वो नहीं आपका क्या मामला चल रहा है क्या लफड़ा चल रहा है वो नहीं पर्सनल हिस्ट्री हमें जानकारी लेंगे कि आपका जो डाइट है आपके डाइट में आप वेज खाते हैं या नॉन वेज कंज्यूम करते हैं एपिटाइट आपको भूख लगती है या आपके जो पेन है इंजरी की वजह से आपको भूख कम हो गया है स्लीप क्या आपकी तकलीफ आपकी नींद उड़ चुकी है ये भी जानना होता है बहुत लोग जो होता है कि पेन आया है ये ओवे हुआ तो ऐसे रातों की नींद उड़ जाती है और हम क्या करेंगे रातों की नींद को वापस लाएंगे इसलिए हमें जानकर ना है कि आपकी नींद उड़ चुकी है या नहीं उड़ चुकी है नेक्स्ट विल लास्ट ब्लैडर एंड वॉल ये कंडीशन ये जो ये जो हमें पूछना होता है न्यूरो कंडीशन में होता है कि आपको ब्लैडर मतलब इंटैक्ट एंड नॉर्मल होता है या प्रॉब्लम है क्योंकि न्यूरो कंडीशन में ये प्रॉब्लम होता है कि वो नॉर्मल नहीं होता है अब नॉर्मल होने पर सो वी नीड टू आस्क मोस्टली न्यूरो कंडीशन में ये पूछना होता है लेकिन आप पूछ लो तो, तो भी चलेगा अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल लिख देंगे एडिक्शन आपको कोई स्मोकिंग एडिशन नहीं है या कुछ भी ड्रिंकिंग एडिक्शन है कुछ भी जो भी एडिक्शन है आपका वो बताना होता है मतलब उनसे पूछना होता है और वो बताएंगे हमें एंड नाउ इट्स द एंडिंग पार्ट सोशो इकनॉमिक स्टेटस आपके फैमिली में कितने लोग कमाते हैं या आपकी अर्निंग स्टेटस क्या है क्योंकि बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत मतलब कॉस्टली होते हैं सो तो हो सकता है कि आप नहीं यूज कर पाएंगे सो so, वील we'll, उसको हम लोग कहीं और सजेस्ट कर सकते हैं या उसको अगर कोई सेम इक्विपमेंट घर पे हो सकता है तो हम वो सजेस्ट करेंगे कि आपके ये ये इक्ुपमेंट्स अच्छा आपके घर पे भी ये इक्विपमेंट है आप डिसम्बल करते हैं सेम सेम तो ये आप यूज़ कर सकते हैं सो वी नीड टू नो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री सो हमें जानना है कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपको क्या क्या काम करना पता है क्योंकि हम लोग आपको गाइड करेंगे कि हो सकता है कुछ मोमेंट्स की वजह से आपको तकलीफ होता है तो विल ट्राई टू गाइड यू कि आप ये अवॉइड करें और दूसरा कुछ तरीके से आप ये मोमेंट को परफॉर्म टास्क को परफॉर्म करें लाइक like ऑर्गोनॉमिक्स हम लोग उसमें आपको ऑर्गोनॉमिक्स टॉपिक उससे हम लोग गाइड करेंगे एंड दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ पेशन और मजा तो आता है लुक यू आर जूनियर तो तुम झुंड में जाओगे पेशेंट से डेमोग्राफिक डाटा और हिस्ट्री लेने तुम में से मतलब दस का ग्रुप बना पाँच का ग्रुप बना जुम तो दो लोग लोग तीन लोग पूछा ऐसे बहुत ज़्यादा इधर से वो अलग पूछा है वो अलग पूछ रहा है तो ऐसे डिस्टर्ब नहीं करने का पेशेंट को तकलीफ होती है और फिर तुम डाँट भी सुन सकते हो अगर टीचर ने देख लिया तो बेटर रहेगा एक दो लोग पूछो बाकी लोग लिखो प्रैक्टिस करो नेक्स्ट टाइम दूसरे दो लोग पूछो या एक लोग पूछो ऐसा करना एंड सीनियर यू आर वेलकम टू जज मी मैंने जो सब बताया वो सब चीज़ें सही थी या गलत थी कुछ मतलब छूट गया हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं एंड जूनियर्स तो मैं ये सब सीखना है तो फैमिली मेम्बर्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो ज़रा सब तकलीफ नहीं मुझे घुटने में दर्द हो रहा तो आप क्या करोगे आप हिस्ट्री लेना चालू करोगे डेमोग्राफी डाटा चालू करोगे ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे ज़्यादा फास्ट हो गया क्या तो प्रैक्टिस करना ठीक है बाय